हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे इस स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं यार हमने सिक्स स्टैंडर्ड के लिए ऑलरेडी मैथ्स एंड साइंस के लेक्चर वीडियोस की शुरुआत कर दी है बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं साइंस के भी और मैथ्स के भी तो मैथ्स का आपको याद होगा प्रीवियस जो स्टैंडर्ड का जो वीडियो था मैथ्स का तो उसमें हमने आ, आपको डिस्कस करवाया था चैप्टर नंबर टू जिसका नाम एंगल्स था लेकिन आज आपके लिए एक नया चैप्टर बेहतरीन फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है चैप्टर नंबर थ्री इंटीजर्स जी या दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये चैप्टर में आप बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हो और आज आप इस चीज का इंटीजर्स का मतलब अगर आप सीख पाओगे ना तो डेफिनेटली जिंदगी में कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर्स का जब भी पार्ट आएगा ना आपको कभी डर नहीं लगेगा मैथमेटिक्स से इतना याद रखना मैथ सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगने लगेगा क्योंकि आधा से आधा जो मैथ्स इट इज ऑल अप ऑफ इंटीजर्स क्या होता है इंटीजर्स ये सभी चीज बात करेंगे पूरा एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा बेसिक से बेसिक पढ़ाऊंगा फिर पूरा कंसेप्चल नॉलेज दूंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए तो आज हमारा पहला लेक्चर है ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर आएंगे लेक्चर नंबर करते करते आएंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर्स को हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे तो बस ये वीडियो को आप लोग को एंड तक देख लेना है ताकि पूरा का पूरा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए तो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे इंटीजर्स ये एक ऐसा नंबर है ठीक है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस नंबर ठीक है लेकिन वो वेरियस नंबर में कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा लेकिन उसके पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं तो कुछ बेसिक नंबर्स मैं आपको सिखाऊंगा जो हमने ऑलरेडी बहुत बार हमारे जया ट्यूटोरियल्स के ऊपर मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज में भी सिखाया हुआ है वही चीज आज आपको भी सीखना है जो कि है इंटीजियर्स के पहले अलग अलग टाइप के नंबर्स तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की ठीक है टाइप्स ऑफ नंबर्स ठीक है अब यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपने अपने लाइफ में तक आप पढ़ते आए हो अभी आप सिक्स स्टैंडर्ड में आ गए हो आपने पांचवी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी मैथ्स पढ़ा होगा एडिशन अपट्रैक्शन बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे तो आज आपको उन नंबर्स का एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा और वाकई में कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात किया जाए कि एक जो नंबर होता है फर्स्ट जो टाइप का नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर अब ये वर्ड शायद बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग को पता होगा पहले से कि नेचुरल नंबर होता क्या है लेकिन आज आपको ये चीज का मतलब समझ में आएगा सबसे पहला है नेचुरल नंबर ठीक है चलो अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है अब जैसे कि कोई भी नंबर कोई भी नंबर की शुरुआत अगर वन से हो रही है क्योंकि तो सबसे पहला नंबर क्या होता है वन होता है ठीक है तो वन से होती है कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर माफाइ एन ऐसे करते 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 सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व से लेके करते, करते 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 कहां तक जाओगे सबसे लास्ट नंबर कौन सा है क्या आप कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विच इज द लास्ट नंबर दुनिया में इतने नंबर्स है तो सबसे लास्ट नंबर है क्या कोई जानता है क्या नहीं जानता है बिकॉज हम एक चीज समझ सकते हैं कि नंबर जो होता है गिनती जो होता है जो काउंटिंग्स होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते इट इज इनफाइनाइट यानी कि हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है वो चलता ही जाता है चलता है तो आप जितना गिनोगे आप आप लाइक बचपन से लेके गिनते आओ और बुढ़ापे तक गिनते जाओ तब तो भी आप खत्म नहीं कर पाओगे इतने नंबर्स होते हैं करेक्ट है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन करते 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 कहां तक इंफिनिटी ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी क्या बोलते हैं इंफिनिटी का सिंबल इन्फिनिटी मतलब अनंत कभी खत्म ही नहीं हो सकता वो चीज तो इसको बोलते हैं इंफिनिटी तो ये सिंबल होता है इंफिनिटी आठ को उल्टा मतलब सुला हुआ सोया हुआ आठ तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी का साइन इंफिनिटी का सिंबल बोलते हैं तो वन से लेकर इफिनिटी तक ये जो नंबर्स होते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन करते 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 कहां तक कभी खत्म ही नहीं होगा वहां तक तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स ये हो गया हमारे सबसे पहला टाइप का नंबर अब दूसरा टाइप का भी नंबर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर क्या बोलते हैं होल नंबर्स तो होल नंबर्स क्या होता है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर की शुरुआत वन से होती है तो होल नंबर की शुरुआत जो होती है वो जीरो से होती है ये चीज ध्यान में रखना ठीक है और याद रखने का ट्रिक क्या है नेचुरल मतलब वन होल मतलब होल मतलब क्या है ये होल जैसा दिख रहा है जीरो गोल है होल है ठीक है तो इस प्रकार से याद रख सकते हो बहुत ही घटिया ट्रिक है लेकिन समझ लो याद कर लो यार ठीक है तो नेचुरल नंबर्स वन से चालू होता है इतना याद रख लेना माइंड में और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे सबसे लास्ट नंबर जो कि है इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है कौन सा लास्ट नंबर है तो आखिरी में क्या हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी बोलेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये हो गया होल नंबर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब वन और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर है वो सब क्या है नेचुरल नंबर है और अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है जीरो है वन है तो वो क्या है होल नंबर है मतलब एक इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर ही है क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बाकी वन टू थ्री फोर तो है ही ना इसमें तो वन टू थ्री फोर क्या है मतलब वो तो नेचुरल नंबर है मतलब हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है हम लोग बोल सकते हैं ठीक है लेकिन होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या है जीरो है तो ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर ये भी आपको याद में रखना है ठीक है तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी मैंने डिटेल बताई है तो सिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से आप समझ जाओ क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा बाउंसर जा रहा होगा लेकिन ये तो आप समझ के ले लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है होल नंबर क्या होता है समझ में आ गया अब एक और तीसरा जो चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक आपने होल नेचुरल नंबर पढ़ लिया एक होल नंबर पढ़ लिया अब एक होता है दोस्तों पॉजिटिव नंबर ये क्या होता है अब पॉजिटिव नंबर की मैं बात करूं जैसे कि आपने कभी भी बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे ठीक है कोई भी नंबर ले लो आपकी मर्जी आपने नंबर ले लिया वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया फोर ले लिया फाइव ले लिया या फिर इवन जीरो भी ले लिया कोई भी नंबर आपकी मर्जी से ले लो लेकिन वो नंबर क्या है पॉजिटिव है इसमें कोई निगेटिव दिख रहा नहीं है ये ऐसा नहीं है माइनस नहीं है माइनस नहीं है ये नंबर को हम लोग निगेटिव नंबर बोलते हैं जो कि अगला टॉपिक आएगा ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वो प्लस है ठीक है कोई भी चीज क्या होती है पॉजिटिव होती है पहले से जब तक हम उसमें नेगेटिव ना डालें तो ये अगर इसमें हमने माइनस का साइन डाल दिया तब नेगेटिव बनेगा लेकिन अगर इसमें कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है आपको कुछ भी साइन दिख रहा है क्या नहीं तो ये नंबर्स क्या है पॉजिटिव नंबर्स है यानी कि प्लस का साइन है या फिर कुछ भी साइन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं ठीक है अब जो आखिरी है चौथा जिसको मैं बोलूंगा निगेटिव नंबर ठीक है अभी नेगेटिव नंबर क्या होता है जैसे मैंने बोला कोई भी नंबर ले लो समझ लो माइनस वन हो गया माइनस टू हो गया माइनस थ्री हो गया माइनस फोर हो गया माइनस फाइव हो गया ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक ये भी सेम ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक तो कोई भी नंबर पॉजिटिव है उसमें कोई माइनस का साइन नहीं है कितना कोई भी नंबर ले लो आपकी मर्जी का तो वो एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन कोई भी नंबर ले लो जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है इन्फिनिटी तक वो नंबर क्या है आपके लिए निगेटिव नंबर है ये चार चीज अगर आपने इसको याद रख लिया जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन एक और चीज पढ़ना है दोस्तों क्या चैप्टर का नाम क्या है इंटीजर्स तो अब यहां पे हम वाकई में रियल में देखेंगे कि एक्चुअल में जो इंटीजर्स है वो होता क्या आपने नेचुरल पढ़ लिया होल पढ़ लिया पॉजिटिव uh, नंबर पढ़ लिया इवन निगेटिव नंबर भी पढ़ लिया लेकिन क्या ये इंटीजर एक्चुअल में है क्या ये इंटीजर यार बहुत तकलीफ दे रहा है ये है क्या वाकई में तो इसको भी यार भैया देख ही लेते हैं कि ये होता क्या है ठीक है तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं क्योंकि हमारा स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा ठीक है ध्यान से देख लेना इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ठीक है अब देखो यहां पे अब हम बात करेंगे किसकी इंटीजर्स की क्योंकि हमारा मेन जो कंटेंट है वो इंटीजर्स ही है तो यहां पे मैं हेडिंग डालूंगा इंटीजर्स अब इंटीजर्स होता क्या है ठीक है आपने सब नंबर्स पढ़ लिए इसके पहले मेन मेन वाले अब इंटीजर्स होता है क्या है तो इंटीजर्स में क्या बोलूंगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहा है ठीक है कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहा है या फिर कोई भी आपको निगेटिव नंबर दिख रहा है ठीक है या फिर पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है वो जीरो है पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है अगर वो जीरो भी आपको दिख रहा है तो ये सब नंबर्स जो है ये सभी को हम लोग बोलेंगे और कॉल्ड एज इंटीजर्स मतलब इंटीजर का डेफिनेशन क्या हुआ दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कि इंटीजर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स एंड जीरो मतलब चाहे आप पॉजिटिव ले लो पांच दस बीस पच्चीस वन टू थ्री फोर से करते करते वो भी एक इंटीजर है माइनस वाले नंबर भी ले लो माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड एंड फाइव ये सभी नंबर्स भी इंटीजर्स है और जीरो जो है शून्य वो भी एक इंटीचर्स है तो समझ में आ गया क्या होता है इंटीजर्स तो इंटीजर्स आर द पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर एज वेल एज जीरो तीनों ही नंबर क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं समझ में आ गया अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है बेसिक तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो ज्यादातर पूछता है क्योंकि आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको पूरा कंसेप्ट समझाएंगे और अगला लेक्चर जो लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर टू जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करवाएंगे जो क्वेश्चन रियल में एग्जाम में पूछेगा वो भी करवाएंगे लेकिन आज एक दो और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर आ जाए एग्जाम्प के तौर पर तो अच्छा लगेगा आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभी मैं इसको फिलहाल में रफ कर लेता हूं फटाफट से ओके चलो एक मिनट इसको हम लोग क्या करते हैं बोर्ड को क्लीन कर देते हैं तो ये टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़ लिया है इसको हम लोग मिटा देंगे अभी फिलहाल के लिए क्योंकि अभी हम लोग आपको पढ़ाएंगे हमारा इंटीजर्स का एग्जाम्पल क्या पूछता है एग्जाम में तो लेट्स सपोज लेट्स सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है ठीक है ना क्वेश्चन है समझ लो ऐसा पूछा हुआ है क्या बोला है शो द नंबर्स क्या बोला है शो द नंबर्स ऑन नंबर लाइन आपको नंबर लाइन पे कुछ नंबर दिखाने है. कौन कौन से नंबर है समझ लो आपको नंबर दिए हुए हैं यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं माइनस सिक्स माइनस सेवन प्लस एट प्लस सिक्स मतलब अब यहां पे प्लस एट क्यों है क्योंकि यहां पे कुछ भी साइन नहीं है माइनस का साइन नहीं है तो ये प्लस एट ही माना जाएगा ये प्लस सिक्स ही माना जाएगा जीरो और थ्री ये नंबर आपको एक नंबर लाइन पे दिखाना है तो सबसे पहले तो ये समझो कि नंबर लाइन होता है क्या है अगर आपने इसके पहले नंबर लाइन कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन होता क्या है मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है आपको ठीक है नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं और पूरे के पूरे इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं ठीक है कैसे आएंगे यहां पर मैं बताऊंगा टेंशन मत लेना तो सबसे पहले नंबर लाइन मतलब एक ऐसा लाइन है ठीक है स्ट्रेट लाइन है दोनों तरफ एरो है बीचो बीच उसके एकदम अपने हिसाब से देख लो इसका सेंटर कहां आएगा पूरेगा अंदाजा समझ लो यहां पे उसका सेंटर आएगा इतना आधा इतना आधा तो जो सेंटर होगा वो होगा जीरो सेंटर क्या होगा वो होगा जीरो अब सेंटर से राइट right की तरफ जाओगे कभी भी याद रखना कोई भी नंबर लाइन में एक लाइन अगर है आपके पास उसमें सेंटर आपने जीरो बना दिया तो वो जीरो से सेंटर से कभी भी जब राइट right की तरफ जाएगा अपना आपका जो हाथ है राइट right है ना ये मेरा राइट right ही हाथ है तो राइट right की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर के लिए होता है तो यहां पर मार्किंग कर लो और ये जो गैप होगा वो इक्वल गैप होगा तो स्केल की हेल्प से आप कर सकते हो वन सेंटीमीटर अगला 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 वन सेंटीमीटर चाहे तो और बड़ा लेना है तो और बड़ा ले सकते हो उसको हम लोग ताकि ज्यादा नंबर आ सके इसको मैं और बड़ा ले लिया तो यहां पे एक और यहां पे एक और यहां पे एक और यहां पे एक और ठीक है ये हो गया अब इसमें नंबरिंग कैसे करना है ये जीरो है तो इसके आगे क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आपने बना लिया तो इस तरफ के नंबर्स क्या है पॉजिटिव नंबर से ये प्लस वाले नंबर से अब जीरो के जब लेफ्ट की तरफ आप देखोगे तो ये नंबर जो होते हैं वो निगेटिव नंबर होते हैं क्या होते हैं निगेटिव नंबर तो यहां पे मार्किंग कर लो सेम ठीक है सेम सेम गैप होना चाहिए ठीक है सेम सेम गैप होना चाहिए मैं तो हाथ से कर रहा हूं तो थोड़ा टेढ़ा मेड़ आपको दिख रहा होगा लेकिन आप लोग स्केल से बनाना तो प्रॉपर दिखेगा तो जीरो के बाद यहां पे क्या आएगा माइनस वन आएगा यहाँ पे माइनस टू आएगा यहां पे माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और माइनस सेवन इस प्रकार से आपको दिखाना है ठीक है ये आपने दिखा दिया अब क्वेश्चन क्या पूछा था ये तो आपने नंबर लाइन को ड्रॉ किया है आपने शो नहीं किया अभी तक आपको बोला है कि शो द है। है? नंबर तरीके से तो बेसिक तौर पर कहीं पे भी नंबर लाइन बनाना बहुत जरूरी होता है एक बार स्ट्रेट लाइन खींचो बीच में जीरो मार्क करो जीरो के राइट साइड वन टू थ्री करते करते बनाते जाओ जितना लंबा बनाओगे आपकी मर्जी जितना भी आप चाहोगे और जितने नंबर यहाँ पे वो सब आ जाए इसके हिसाब से बनाना चाहिए जीरो के लेफ्ट की तरफ माइनस वाले नंबर से बना देना तो मैंने इस तरफ दस रखे इस तरफ माइनस सेवन रखे क्यों क्योंकि उस तरफ मेरे को सबसे हाईएस्ट एट बनाना है और इस तरफ सबसे हाईएस्ट माइनस सेवन बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है अब मैं मार्किंग करूंगा देखो तो यहां पे सबसे पहले मुझे माइनस सिक्स को दिखाना है माइनस सिक्स है ये वाला तो ये इसको सर्कल कर दो ये बन गया माइनस सिक्स ठीक है माइनस सेवन दिखाना किधर है माइनस सेवन देखो ये वाला माइनस सेवन है सर्कल कर दिया तो ये बन गया माइनस सेवन एट दिखाना है एट किधर है देखो ये एट पॉजिटिव वाला एट तो ये मेरा एट हो गया जीरो सिक्स दिखाना है सिक्स किधर है देखो यहाँ पे फिर जीरो दिखाना है जीरो यहाँ पे और उसके बाद थ्री दिखाना है यहाँ पे तो मैंने ये नंबर नंबर लाइन में ये सिस्टम जो है हमारा इसमें मैंने ये 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 जो जो इंटीजर्स थे दिए हुए ना ये में क्या है ये इंटीजर्स है और हमारा कभी भी नंबर लाइन बनता है ना वो इंटीजर्स का ही बनता है क्योंकि नंबर लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें सब नंबर है पॉजिटिव भी है जीरो भी है और निगेटिव भी है और हमारा इंटीजर का डेफिनेशन भी तो यही बोलता है ना कि इफ अ नंबर्स हैविंग पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो देन वी कॉल इट एज हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंटीजर्स बोलते हैं तो नंबर लाइन इज नथिंग बट इंटीजर्स इंटीजर्स को प्लेस करने का एक जगह है जिसमें हमने नंबर्स को प्लेस किया पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव और हमने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप लोग दिखाओ शो करो कि किधर है वो तो हमने वो नंबर्स को भी दिखा दिया यानी इंटीजर्स को भी दिखा दिया क्लियर है तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों बस इतना ही था जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई ठीक है, लेकिन आज पहला लेक्चर था जिसमें हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है कि क्या होता है कैसे नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, तो इसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम होगा प्रैक्टिस सेट नंबर वन जो कि अगले लेक्चर में क्या होगा अगला लेक्चर लेक्चर नंबर टू होगा हमारा तो लेक्चर नंबर टू में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इसके आगे का पार्ट तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट कर लेना फटाफट से हम वीडियो को बनाते ही आप जानते ही हो हर दिन वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है इसके पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तीसरा चैप्टर तो धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा इंटायर सिलेबस आपको दिख रहा होगा आपके प्ले के अंदर या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे वीडियो सेक्शन के अंदर या फिर यूट्यूब के अंदर तो आपको डायरेक्ट हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे ठीक है तो चलो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूं कैसा लगा है हमारा आज का वीडियो आपको प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय